कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक महिला को देखते हैं जो अपने बाथटब में नहा रही थी। तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वह वहीं मर जाती है। फिर हमें एक साल के बाद दिखाया जाता है जहां हमें एलिस नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अपने पति पॉल के घर आई थी और सारा पॉल की पहली पत्नी थी और एलिस पॉल की दूसरी पत्नी है और पॉल एक बिजनेसमैन है इसलिए वह किसी काम से बाहर गया था और एलिस को पॉल ने अपने 12 साल के बेटे मार्कस की देखभाल करने के लिए भेजा था। एलिस मार्कस की सौतेली माँ थी और पॉल ने एलिस को बताया कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल में है और वो एक हफ्ते बाद घर लौटेगा, इसीलिए तो वो वहाँ पहुँच चुकी थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो वो देखती है कि मार्कस तो उससे पहले आ गया है और जब वो मार्कस से पूछती है कि वो पहले कैसे आया तब वो बताता है कि स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है। लेकिन उसे यह थोड़ा अजीब लगता है और जब वो मार्कस से बात करती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि मार्कस तो अभी बच्चे होते हुए भी वो एक बड़ा युवक की तरह बात करता है। अगली सुबह पॉल का फोन आता है और पॉल मार्कस से बात करना चाहता था तो एलिस मार्कस को बुलाने जाती है और मार्कस बाथटब में नहा रहा था और एलिस ने मार्कस को फोन देती है और वो अपने पिता के साथ प्यार से बात करता है। उससे बात करने के बाद एलिस पॉल से बात करना शुरू करती है। जब एलिस पॉल से बात कर रही थी तभी मार्कस एलिस के पास आता है और उसे बुरे तरीके से छूने लगता है। मार्कस का ऐसा व्यवहार देखकर एलिस हैरान हो जाती है और वो गुस्सा भी हो जाती है लेकिन वो बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है हम पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है और वो मार्कस एक बुरा लड़का है लेकिन एलिस उसकी अच्छी देखभाल करती है। लेकिन मार्कस अपनी सौतेली माँ को गलत तरीके से देख रहा है। कुछ दिनों के बाद मार्कस के पिता अपना काम खत्म करके वापस आते हैं। तब मार्कस और एलिस पॉल को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। जब वह कार लेकर घर आ रहा था अब तो पॉल एलिस को छूना शुरू कर देता है जिससे एलिस का ध्यान कुछ देर के लिए सड़क से हट जाता है और वो एक एक्सीडेंट भी होने वाला था लेकिन एलिस ने कार को कंट्रोल करती है और वो घर आने के बाद एलिस और पॉल ने इंटीमेट होते हैं। जब मार्कस बाहर खेल रहा होता है फिर शाम को तीनों एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं जहां पॉल एलिस से पूछता है क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। तब एलिस कहती है कि मार्कस ने टैक्सी को देने के लिए पैसा ले लिया है और वो मार्कस से कहती है कि तुम खुद मुझे बता रहे थे कि मैंने पापा के सारे पैसे निकाल लिए हैं। इस पर मार्कस एलिस से कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इससे पॉल को लगता है कि शायद एलिस ने पैसे ले लिए हैं और उसके बाद जब सारे घर आते हैं बाद में एलिस ने मार्कस के कमरे की चेक करती है लेकिन उसे कमरे से पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है। उसके बाद एक दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे थे तब मार्कस ने पॉल को बताता है वो एलिस मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और एलिस भी उसकी सारी बातें दूर से सुन रही थी। लेकिन पॉल मार्कस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि मार्कस एक बच्चा है और बच्चे कुछ भी कहते रहते हैं। और आगे मार्कस ने ये भी बताता है उस एलिस ने मेरे कमरे की तलाशी की थी। अब पॉल ने इसके बारे में एलिस से पूछता है लेकिन एलिस कुछ भी बताती नहीं है। और उसके बाद एक दिन एलिस मार्कस के बारे में जानने के लिए स्कूल जाती है जहाँ उसे पता चलता है मार्कस की कोई छुट्टी नहीं है बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्होंने एक लेटर भी भेजे थे लेकिन वो मार्कस उस लेटर को फाड़ दिया था जिसके टुकड़े एलिस को मार्कस के कमरे में मिले थे। वो स्कूल में पता लगाती है। मार्कस आसपास के घरों पर जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते देखता है और वो स्कूल के पास रहने वाली बिल्लियों को मारता है इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद एक दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक महिला से होती है। वो बताती है कि सारा मेरी दोस्त थी और बाथटब में डूबकर उसकी मौत हो गई। अब एलिस इसे महसूस करने लगी थी उस मार्कस ने सारा को मार डाला था। अब एलिस भी पॉल को यह सब समझाने की कोशिश करती है और उसे मार्कस के बारे में भी बताती है लेकिन पॉल उस पर विश्वास नहीं करता और वो दोनों एक बहस में पड़ जाते हैं। उसके बाद एक रात एलिस ने किसी काम के लिए ऊपर की मंजिल पर जाती है और तभी उसे दिखती है कि उसके बेडरूम की छत पर एक होल है जिससे उनका बुरा हाल नजर आता है और यह देखकर वह तुरंत मार्कस के बारे में सोचती है और उसे पता चल जाती है। वो मार्कस उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। उसके बाद एलिस तुरंत मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है। तब मार्कस कहते हैं कि मुझे यह सब करना अच्छा लगता है। तब एलिस ने उससे पूछा कि क्या वह सारा को उसी तरह देखता था। तब मार्कस कहते हैं कि सारा को देखकर उन्हें मजा नहीं आया क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। अब एलिस उससे पूछती है सारा की मौत कैसे हुई। फिर मार्कस कहते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। यह सुनकर एलिस कहती हैं
कि तुम झूठ बोल रही हो। इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी मौत हो गई। और एलिस उसे बताती है कि तुम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मुझे नहीं बता रहे हैं। तब इस पर मार्कस कहता है कि मैं आपको यह सब क्यों बताऊं? मुझे इसमें क्या मिलेगा? तब एलिस ने उसे पैसे देती है लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि वो एलिस को ही चाहता है। तब एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सारा को हॉट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था और उसने ये बात अभी तक पॉल को भी नहीं बताया है। और मार्कस का कहना है कि उन्हें इसके बारे में डॉक्टर का एक लेटर के जरिए पता चला था। और अब एलिस सोचती है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा है और एलिस उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद एलिस ने वो छेद पॉल को दिखती है लेकिन जब पॉल ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तब एलिस ने पॉल को बताती है कि मार्कस उनके कमरे में देखता रहता है, लेकिन पॉल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे ये भी लगने लगता है कि एलिस पागल हो रही है। लेकिन एलिस ने हार नहीं मानी, वो सारा की मौत पर शोध करती है और उसे पता चल जाता है उस मार्कस ने सारा को मार डाला था और मार्कस ने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था जिससे उन्हें बिजली का झटका लगा और उनकी मौत हो गई। अब इसके बाद एलिस मार्कस से और भी बातें जानना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस से पूछती है उसने सारा को क्यों मारा। तब मार्कस कहते हैं कि सारा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, साथ ही वो यह भी कहते हैं कि उन्हें लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। वो एलिस से कहता है कि अब मरने की आपकी बारी है। ये सब सुनकर एलिस मानसिक रूप से परेशान हो जाती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें क्योंकि कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और पॉल को भी लगने लगा था कि एलिस पागल हो गई है। इसके बाद एलिस की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे मेंटल अस्पताल में रखा गया है। कुछ महीने बाद जब एलिस ठीक हो जाती है फिर वो वापस आती है। एक दिन ये तीनों पार्क में जा रहे थे और पॉल और एलिस बात कर रहे थे और मार्कस अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। कुछ समय बाद एलिस और मार्कस मिलते हैं और सारा की मौत के बारे में बात करना शुरू करते हैं और मार्कस एलिस को बताता है कि वो उसे अब नहीं मारेगा क्योंकि वो अब उसे पसंद कर रहा है। और एलिस ने भी उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी हैं और मार्कस से कहती है कि वो पॉल को मार डालेंगे और कहीं भाग जाएंगे। और एलिस भी मार्कस को एक किस देती है और बाद में एलिस एक तेज रफ्तार कार को देखती है। ये देखकर एलिस कुत्ते के खिलौने को सड़क पर फेंक देती है। जब कुत्ता उसे सड़क पर लेने जाता है तब मार्कस उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है लेकिन मार्कस कार की चपेट में आ जाता है और मार्कस वहां मर जाता है। और एलिस मार्कस की बॉडी देखकर मुस्कुराने लगी है और अब वो आजाद है। उसने जो योजना बनाई वो सफल रही और फिल्म यहीं खत्म होती है।